नमस्कार दोस्तों, मेडिसिनल किंगडम में आप लोग का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और आज आ गया हूँ आप लोग के बीच बीई फार्मेसी बायोलॉजिकल इलिमिटेड के द्वारा बनाया गया कॉस्कोपिन लिंक्टस जो है वो सस्पेंशन सिरप के फॉर्म में है, उसको लेकर के। और अभी जैसा कि सर्दी खांसी का समय चल रहा है और काफ़ी सारे जो है मरीजों को देखा जा रहा है, जो कि जिनको कि सूखा खांसी का समस्या रहता है, मतलब बलगम नहीं आना और सूखा खांसी होना, चेस्ट में पेन रहना और हुपिंग कफ जिसको हम लोग बोलते हैं, खांसते खांसते बहुत समय, लंबे समय तक जो है खांसी होते रहना, तो उस कंडीशन में जो है ये कॉस्कोपिन जो है दिया जाता है। जिनको बलगम नहीं आ रहा है, कफ फंसा हुआ है, कफ सूखा हुआ है, खांसने के दौरान जो है चेस्ट में पेन होता है और लंबे समय तक खांसी होता है, तो लंबे समय तक खांसते रहते हैं, तो उसके लिए जो है ये बहुत ही बेस्ट होने वाला है। कॉस्कोपिन लिंक्टस के नाम से आता है ये, बच्चों को भी दिया जा सकता है और बड़ों के लिए भी ये कॉस्कोपिन लिंक्टस आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये इसमें जो है इसका कंपोजिशन का बात करें, इसमें जो दवा मिला हुआ है वो कौन सा है, तो क्लोरफेनिडामीन नोस्केपिन ये जो है इसकी कंपोजिशन है और ये बहुत ही इफेक्टिव दवा में से एक है। बायोलॉजिकल इलिमिटेड के द्वारा इसको तैयार किया जाता है और ये जो है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, दोनों के लिए हो सकता है। और अभी जैसे बरसात के समय में खांसी का काफ़ी ज़्यादा समस्या दिख रहा है और सूखा खांसी बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो उस कंडीशन में ये जो है कॉस्कोपिन लिंक्टस इस्तेमाल में किया जा सकता है, बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब इसके डोज के बारे में बात करते हैं, तो इसमें जो है आपको 12 ईयर एंड एडल्ट के लिए, 10-12 साल से ऊपर के जो है उनके लिए 10 ml करके 3-4 टाइम, वो अगर समस्या ज़्यादा है तो उस अकॉर्डिंग जो है डोज को ऊपर नीचे किया जा सकता है, कम ज़्यादा किया जा सकता है। और 6-12 ईयर्स के लिए 5 ml 6th hourly, मतलब 6-6 घंटे पे 5-5 ml, 2-5 साल के बच्चों को जो है ये 2.5 ml 6th hourly दिया जा सकता है। और ये तो हो गया आपको 2.5 साल से ऊपर वाले बच्चों के लिए, 2 साल से ऊपर वाले बच्चों के लिए जिसका उम्र 2 साल से ऊपर है। तो इसमें देख सकते हैं क्लोरफेनिडामीन 2 mg और नोस्केपिन 7 mg मिला हुआ है और ये काफ़ी इफेक्टिव है सूखे खांसी के लिए, बहुत अच्छा रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा इसका। अगर सूखा खांसी है, ड्राई कफ है, बाहर नहीं हो रहा है कफ, बलगम जमा हुआ है, कफ को ये पिघलाता है, पिघला करके स्टूल के द्वारा, पट्टी के द्वारा भी और आपके बलगम के द्वारा भी बाहर ये आपका कफ जो है हो जाएगा, तो बेस्ट है। और इस समय में जो है डॉक्टरों के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाने वाले में से एक मेडिसिन है ये, और ये जो है देख सकते हैं शेड्यूल जी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स है ये, तो बिना किसी प्रैक्टिशनर, मेडिकल प्रैक्टिशनर या डॉक्टर के सलाह के किसी भी तरह के मेडिसिन को ना इस्तेमाल करें, ना किसी से इस्तेमाल करवाएं, बिना किसी जानकारी के, बिना किसी डॉक्टर के, बिना किसी प्रैक्टिशनर के सलाह लिए दवा को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कोई भी अंग्रेजी दवाओं को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये हो गया आपको 2 ml 2 ईयर्स से लेकर के ऊपर वाले के लिए, और जो उससे कम के भी हैं उसके लिए भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, जो कि कॉस्कोपिन का ही है, देख सकते हैं ये है कॉस्कोपिन का जो है ये पीडिया के लिए है, जो छोटे मासूम बच्चे हैं उसके लिए है ये। तो इसमें जो है इसका जो कंपोजिशन है वो देख सकते हैं, इसमें भी नोस्केपिन, सोडियम साइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड ओरल सस्पेंशन है ये, फॉर द रिलीफ ऑफ कफ, कफ के लिए बहुत बेस्ट है ये, जिस छोटे बच्चे को खांसी हो रहा है और कफ बाहर नहीं हो पा रहा है तो उसको देना चाहिए, उसके बलगम को जो है ये पतला करके स्टूल के द्वारा बाहर निकाल देगा और खांसी को भी कम कर देता है। तो इसमें देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है अंदर 1 ईयर एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन, 1-3 ईयर 1.5 ml 2-2.5 ml 2-3 टाइम ए डे और एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन। उसके बाद 3-12 ईयर मतलब 3-12 साल तक के लिए 3.75 ml से लेकर 5 ml 2-3 टाइम ए डे और एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन। तो इस तरह से करके इसका डोज है
डोज को ज़्यादा बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है, वो आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। अगर ज़्यादा है तो वो डोज को उस तरह से दिया जाएगा, और कम अगर है तो डोज को उस तरह से दिया जाएगा। इसीलिए डोज जो है वो हमेशा से प्रैक्टिशनर और डॉक्टर के सलाह से ही जो है डिस्क्राइब किया जाता है। तो इसीलिए अपने प्रॉब्लम को बता करके ही दवा इस्तेमाल में लें। इसीलिए जो है ये कॉस्कोपिन जो कि बीई के द्वारा बनाया जाता है, बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है और काफ़ी ज़्यादा प्रचलित भी है, और काफ़ी लंबे समय से जो है ये चलने वाले में से दवा है जो है। तो यही कुछ था कॉस्कोपिन लिंक्टस और कॉस्कोपिन पीडिया पीडिया सस्पेंशन के बारे में जो है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। इस तरह का वीडियो मैं आप लोग के बीच हमेशा से लाता रहता हूँ, जो कि आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके पूरे परिवार के लिए स्वास्थ्य से रिलेटेड होता है। और किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है या कुछ पूछना हो मेडिकल से रिलेटेड, मेडिकल कोर्सेज से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड, बीमारी से रिलेटेड, तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें। मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आप लोग को क्लियर करूंगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।